सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस कल की यस्टरडे वाली वीडियो में बोला था कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट का वेट करेंगे और रिपोर्ट के बाद हम जो भी रिपोर्ट आएगी उसको पहले एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम फंडामेंटली देख लेते हैं ऑल ओवर मेजर क्रिप्टो कॉइन्स कहाँ पर जा रहे हैं, प्लस टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स के बाद अपना ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान बनाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हम अपने cryptocoinmarketcap.com पर आ गए हैं और बेसिकली अगर हम बिटकॉइन का प्राइस देखें तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 0.55% का बड़ा मूव देखने को मिला है हमें। ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं है, बट एग्जैक्टली हम इसको मूव तो कह ही सकते हैं, ठीक है। सो 36,587 की समथिंग इसका प्राइस चल रहा है, 2,004.048 के $1,000 के करीब इथेरियम का प्राइस है, ओके। बीएनबी देखें तो $246 की समथिंग प्राइस है इसका, एक्सआरपी देखें तो 0.66% का प्राइस है, सोलाना देखें तो यार 4.39% अप है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सप्लाई चेन की जो लास्ट रिपोर्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे यार अच्छा खासा मूव दिया है सोलाना ने भी, ठीक है। सो अभी हम रिपोर्ट्स को भी एनालाइज करेंगे, लेकिन हमारे ऑल्ट कॉइंस ने यार अच्छा खासा मूव दिखाया है इन्फ्लेशन रिपोर्ट पे यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट पे, ठीक है। सो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं मार्केट में हमें क्या अभी बेसिकली क्रिप्टोस के अंदर कितना अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। सो गाइस, अगर अब हम बात करें बिटकॉइन के अंदर तो बिटकॉइन में अभी कोई अच्छा खासा मूव नहीं दिखा है, लेकिन आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन में एक अच्छा खासा मूव दिखेगा और आज हम इसमें अभी ट्रेड एग्जीक्यूशन भी प्लान बनाएंगे, बट उससे पहले हम एक बार इकोनॉमिक रिपोर्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देन अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान हम इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर हम इथेरियम देखें तो इथेरियम ने भी यार अच्छा खासा मूव दिखाया है अभी, ठीक है। अराउंड यार अभी ये बेसिकली थोड़ा कम ही चल रहा था, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट के बाद बेसिकली इथेरियम ने भी एक अच्छा खासा मूव दिखाया है। देन यार एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी में भी हमें एक अच्छा खासा बुलिश का सिग्नल अब मिल चुका है और हम एक अच्छा खासा ट्रेड एग्जीक्यूशन बना सकते हैं एक्सआरपी के अंदर, ठीक है। सो डोज कॉइन में भी यार हमें अच्छा खासा बुलिश का सेटअप मिल गया है, सेटअप नहीं मिला है बट हम रिपोर्ट्स में चलते हैं। गाइस, पहले ही बता देता हूं, मैं कोई टेक्निकल ट्रेडर नहीं हूं जो कि चार्ट्स पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन ट्रेडर जो होते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडर सिर्फ प्राइस को देख के ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट ट्रेडर्स होते हैं वो सबसे पहले पूरी इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स को देख के ट्रेड लेते हैं। और बेसिकली गाइज, मैं सिर्फ क्रिप्टो का नहीं एनालिसिस करता, मैं बॉन्ड मार्केट, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कॉमोडिटीज, इवन फॉरेक्स का बेसिकली एनालाइज करता हूँ पूरा मार्केट, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्रिप्टो ही एनालाइज करता हूँ और आपको बताता हूँ, जनरली आपकी एडवाइस पे ही मैं सिर्फ क्रिप्टो ही बताता हूँ आपको, ठीक है। सो डोज का भी हमने देख लिया है, देन अगर हम अपना बीएनबी देखें तो बीएनबी का भी यार गाइज मैं आपको बता देता हूँ। सो बीएनबी का भी प्राइस चल रहा है 245 के समथिंग, जो कि अच्छा खासा मूव दिया है बीएनबी ने भी अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट पे, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं गाइज, अभी हम सबसे पहले रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद हम एक अच्छा खासा ट्रेड एग्जीक्यूशन सेटअप मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम अपने क्रोम पे वापस आ जाते हैं, देन बीएलएस की रिपोर्ट्स को हम खोल लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले से ही बीएलएस की रिपोर्ट खोल के रखी है, ठीक है, ताकि आपको कोई इशू ना आए। सो गाइज, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो ये बीएलएस की जो रिपोर्ट है ना, ये मार्केट में एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन प्लस एक डायरेक्शनल ट्रेंड, मोमेंटम प्लस डायरेक्शन ट्रेंड हमें मार्केट में देती है, ठीक है। तो हम इस रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है अक्टूबर 2023 यानी कि लास्ट रिपोर्ट। गाइज, हमेशा इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स को हमें मेजर करना है, तो हमें बेसिकली पिछला मंथ का से ही मेजर करना पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स को भी बेसिकली मेजर करने के लिए टाइम लगता है, जो कि हमारे फेडरल एजेंसीज है इसको लगाती है, ठीक है। सो गाइज, अगर हम देखें तो सीपीआई का भी क्या सीन चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा अगर हम अर्बन का देखें तो अर्बन में भी हमें अच्छा खासा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने को मिला है, ठीक है। देन अर्बन कंबाइंड सीपीआई के मैं आपको बताऊं, जो कि कोर सीपीआई और सीपीआई है, ऑल आइटम्स है हमारा कंबाइंड सीपीआई, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस भी कवर है, और कोर सीपीआई में हमारा फूड और एनर्जी एक्सक्लूड है बास्केट के अंदर से, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं गाइस, अभी हम देखने वाले हैं कि हमारी जो कोर सीपीआई और सीपीआई रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये हमारा ऑल फूड में अगर हम देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाली चीज को, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के यार के अंदर ना बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज का जो कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें बेसिकली कंट्रीब्यूशन है। सो ऑल ओवर विद इन द इकोनॉमिक सेंटीमेंट पर अगर हम देखें कंज्यूमर लेवल पे, यानी कि हम जैसे जो कंज्यूमर रिटेल लेवल पे शॉपिंग करते हैं, तो किस किस सेक्टर में हमारा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उससे के हिसाब से ये है। सो सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें तो फूड की जो वेटेज है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर हम फूड की वेटेज देखें, फूड का पहले हम देखें प्राइजेस में क्या चेंज आया है फूड के अंदर, तो 0.2 से 0.3 यानी कि थोड़ा सा हमें
फूड बढ़ते हुए देखने को मिला है 0.3 के अंदर, लेकिन एनर्जी में यार बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। यानी कि अब की बात डिमांड साइड पे ज्यादा डिमांड हमें एनर्जी की ज्यादा देखने को नहीं मिली है। ठीक है, एनर्जी सर्विस हो गया हमारी, एनर्जी कॉमोडिटीज हो गया। एनर्जी सर्विसेज के अंदर यार हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है डे टू डे बेसिकली हाउस वर्क के लिए, ठीक है, पाइप्स, गैस सर्विसेज आप कह सकते हो, फ्यूल, ऑयल, गैसोलीन पे सब पे भी हमें एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन फेज यानी कि नंबर सीपीए नंबर में ज्यादा अब की बार सप्लाई साइड पे प्रोडक्शन हुआ नहीं है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया था बीएलएस के रिपोर्ट और आई थी अभी हमारी बेसिकली जॉब्स डेटा की जो कि हमारी पॉजिटिव आई थी, ठीक है। तो इस रिपोर्ट्स पे बेसिकली हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी पिछले लेवल से कम है। और अगर हम कॉमोडिटीज को देखें तो बेसिकली फूड और एनर्जी एक्सक्लूड यानी कि कोर सीपीआई को देखें तो मेडिकल सर्विसेज में उतना ही हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में बढ़ गया है, शेल्टर के अंदर कम हुआ है यार जो कि हम कह सकते हैं हाउसिंग इन्फ्लेशन, मेडिकल केयर कॉमोडिटीज के अंदर भी कम है, एप्पल सेक्टर के भी अंदर कम है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर भी कम है, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर वो कार्स जो बेसिकली यूज्ड कार एंड ट्रक्स है जो कि हम एक तो बेसिकली आपको पता है आप कुछ न्यू ट्रक्स खरीदते हो और कुछ बेसिकली यूज ट्रक खरीदते हो, तो उसमें ये भी हमारा हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है आपके बारे, यानी कि जो प्राइस हमारी रिटेलर हमें ऑफर कर रहा है कंज्यूमर लेवल पे उसमें हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है, ठीक है। सो ये जो गाइज ये है ना, ये यूएस का इकोनॉमिक सेंटीमेंट है जो कि मार्केट में अब हम जो ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे वो ये रिपोर्ट बहुत हमारी हेल्प करने वाली है, ठीक है। सॉरी, तो गाइज सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अब हम करेंगे ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है। सो ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान में हमें पता चल गया है कि हमारा कोर सीपी और सीपीआई पॉजिटिव आया है जो कि हमें अब एक अच्छी खासी मूवमेंट देगा ट्रेड एग्जीक्यूशन करने की, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले बीटीसी को देख लेते हैं, तो बीटीसी का अभी हम एक एक्युमुलेशन में फेज में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, सो गाइस अगर ये अभी ये आप इसमें ना एक एक्युमुलेशन फेज का ट्रेड बना सकते हो, इसका जो आप रेजिस्टेंस बेसिकली एसएल रखोगे वो 36,213 के करीब रख सकते हो और एक एक्यूमुलेशन फेज के आप इसमें एक एंट्री ले सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप बेसिकली आप जितने भी मेरे यूजर्स हैं इसको देख रहे हो और एक अच्छी खासे आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे हो इसमें, ठीक है। सो यार हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यार, ठीक है। तो आप 36,000 से आप इसमें एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो, इथेरियम के अंदर भी यार अभी अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन अभी बना सकते हो जो कि इसका बेसिकली जो एसएल लगाओगे, एसएल लगा लेना आप $2,015 के समथिंग का आप इथेरियम में एसएल लगा सकते हो, ठीक है। देन एक्सआरपी की बात करी जाए तो एक्सआरपी में भी आप लॉन्ग की पोजीशन जा सकते हो। अभी यार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पॉजिटिव है जो कि फेडरल रिजर्व का मेन टारगेट जो रहता है, जो कि कंज्यूमर बेसिकली फेडरल रिजर्व इसी रिपोर्ट पे टिका हुआ है और इसी को ही वो बेसिकली मॉनिटर करता है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू, और 2% तक का सीपीआई का टारगेट रखता है जो कि अब की बार का इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव है। तो इंस्टीट्यूशंस का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ऑल ओवर मेजर मार्केट के अंदर एक्सेप्ट फॉरेक्स के अंदर, तो आप इसमें एक अच्छा खासा मूव देख सकते हो। सो एक्सआरपी में भी आप एक अच्छी खासी बाइंग बना सकते हो 0.64 की, डोजकॉइन में भी आप अच्छी खासी बाइंग बना सकते हो, ठीक है, 0.07 की समथिंग प्राइस है। सॉरी यार मैं खांस रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कफ हो गया, ठीक है। तो डोजकॉइन में भी आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। देन सोलाना का हम देखें तो सोलाना के यार अंदर आपकी एक अच्छी खासी बाइंग ऑलरेडी बन चुकी है, $51 के समथिंग का आप एक एसएल रख सकते हो इसके अंदर, और एक ग्रेट मोमेंटम और डायरेक्शनल ट्रेंड तो हमें एक्सपेक्टेड है इसके अंदर भी, और आप अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड बना के सेटअप कर से मार्केट से निकल सकते हो। बस ट्रेलिंग कर रहे हैं यार, एसएल की ट्रेलिंग लगा के रखना, और कोई सीन नहीं है, और तो सब बढ़िया है, ठीक है इसके अंदर। देन बीएनबी देखें तो बीएनबी में भी यार एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल रहा है, $238 के समथिंग का एसएल लगाओ और एक अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन बना लो बीएनबी में भी, ठीक है। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ हमारी अभी जो रिपोर्ट्स आई इकोनॉमिक सेंटीमेंट रिपोर्ट्स जो आई है वो पॉजिटिव आई है और आप एक लॉन्ग की पोजीशन बना के इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। सो गाइज वीडियो में इतना ही, ओके।